यूपी विधानसभा चुनावों के जो नतीजे सामने आए उससे एक बात साफ हो गई कि बीजेपी और योगी आदित्यनाथ के सामने विपक्ष धराशाही हो गया। ऐसा इसलिए क्योंकि यूपी की जनता ने जो मैंडेट बीजेपी को दिया है वो ये साबित करता है कि बीते 5 सालों में जो फैसले मुख्यमंत्री रहते हुए योगी आदित्यनाथ ने लिए उससे जनता को फायदा मिला। एक बार फिर जनता ने यूपी में बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनवा दी। आपको बता दें, योगी आदित्यनाथ की ये जीत यूपी की राजनीति में कई नए रिकॉर्ड की परिभाषा कर रही है। आइए जानते हैं, अगर योगी आदित्यनाथ दोबारा मुख्यमंत्री बने तो कौन कौन से रिकॉर्ड उनके नाम आ जाएंगे। 5 साल का कार्यकाल पूरा कर फिर से सत्ता पाने वाले पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ही फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। अगर ऐसा होता है तो देश की आजादी के बाद उत्तर प्रदेश में ऐसा पहली बार होगा जब कोई मुख्यमंत्री अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद दोबारा सत्ता पर काबिज होगा। यूपी के 70 साल के इतिहास में अब तक ऐसा नहीं हुआ। 2003 के बाद योगी पहले ऐसे नेता हैं जो विधायक रहते हुए बनेंगे सीएम। यह भी एक संयोग ही है कि मायावती से लेकर अखिलेश यादव और खुद योगी आदित्यनाथ तक विधान परिषद के जरिए मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे। मतलब इनमें से कोई भी नेता रहते हुए सीएम नहीं बना। 2003 में आखिरी बार मुलायम सिंह यादव मैनपुरी के गन्नौर से मुख्यमंत्री रहते हुए चुनाव लड़े थे। चुनाव जीतने के बाद वे विधायक बने और फिर 2007 तक सत्ता संभाली। दूसरी बार शपथ लेने वाले पहले सीएम 2017 में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने थे। अब वे अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा कर चुके हैं। अब एक बार फिर बीजेपी की सत्ता में वापसी हो गई है। अगर सीएम योगी यूपी के मुख्यमंत्री के तौर पर दोबारा प्रदेश की कमान संभालते हैं तो ये भी अपने आप में एक नया रिकॉर्ड होगा, क्योंकि ऐसा सिर्फ 1985 में हुआ था जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सरकार ने 10 साल तक लगातार उत्तर प्रदेश की बागडोर संभाली। हालांकि उस वक्त मुख्यमंत्री बदलते रहे। 37 साल में पहली बार दोबारा सत्ता में बैठने का मौका। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के इतिहास में ऐसे पहले मुख्यमंत्री और राजनेता होंगे जिनके नेतृत्व में विधानसभा का निर्धारित 5 साल का कार्यकाल पूरा हुआ और फिर उसी दल के साथ उनकी सत्ता में वापसी हुई। ऐसे में अगर योगी आदित्यनाथ फिर से यूपी के मुखिया के तौर पर यूपी की कमान संभालते हैं तो 37 साल पुराना रिकॉर्ड फिर से दोहराया जाएगा। नोएडा आने की मिथक को तोड़ा। यूपी में अब तक माना जाता रहा है कि नोएडा जाने वाले मुख्यमंत्री की कुर्सी सुरक्षित नहीं रहती, लेकिन उन्होंने नोएडा जाने के बाद भी लगातार 5 साल मुख्यमंत्री रहकर एक मिथक तोड़ दिया। इतना ही नहीं, गोरखपुर सीट से विधायक भी बने और यूपी में बीजेपी की सत्ता वापसी भी कराई। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट। खबरों के पीछे की खबर पहुंचाते हैं हम, आपकी आवाज को मुद्दा बनाते हैं हम। टाइम्स नाउ नवभारत को YouTube पर लाइव देखिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए।